वोटर्स के वोट डालने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आचीनी के इलाके बांदी पोलिंग स्टेशन पर खवातीन वोटर्स अभी तक घरों से ना निकल सकी। अभी तक कोई वोट कास्ट नहीं हो सका, ये बताना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। उम्मीदवारों और इमायदीन ने खवातीन के वोट डालने पर पाबंदी आयद की है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ये बताना है, इलाका मकीन कहते हैं कि यहाँ खवातीन वोट नहीं डाल सकती, ये कहना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। उम्मीदवार खड़े उनसे भी बात हुई है, वो कहते हैं कि हमने मुश्तरक का ये फैसला किया है कि लेडीज़ नहीं आएंगी, लेकिन हम फिर भी जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई भी आए तो वो अपना वोट पोल कर सकते हैं। पोलिंग स्टेशन पर 978 रजिस्टर्ड खवातीन वोटर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से ये बताया जा रहा था, और यहाँ खवातीन के वोट डालने को माजूब समझा जाता है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी कामरान अली। कामरान, बताइएगा, खवातीन को वोट डालने से मना कर दिया गया है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कहना है कि खवातीन को का वोट डालना मायूब समझा जाता है, इस हवाले से क्या कोई कार्रवाई अभी तक अमल में आई है कि यहाँ के लोगों को समझाया जा सके कि वो खवातीन को वोट कास्ट करने की इजाजत दें? हाँ जी बिल्कुल, ये NA-29 चीनी का इलाका बांडा पोलिंग स्टेशन में खवातीन वोटर को अब तक जो है तो वोटिंग के लिए नहीं छोड़ा जा रहा, और या तो खवातीन के वोटिंग पर पाबंदी है, फिर भी अभी तक कोई खवातीन जो नहीं किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हमारी बात थी तो उनका यही कहना था कि सुबह से नाजिम और अमायदीन से हमारी बात हो रही है, लेकिन उनसे यही कहने के बाद वोटिंग को मायूस समझा जाता है, और अमायदीन और उम्मीदवारों की जानब से मुश्तरका तौर पर खवातीन की वोट पोलिंग करने पर पाबंदी आई। इस हवाले से ये बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने तमाम आरोज़ और डीआरओज़ को मुराकिला भी जारी किया था, और इन जैसे लोगों और अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के भी हुक्म दिया था, और उनके खिलाफ सख्त तरीन इकदाम उठाने का भी हुक्म जारी किया था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वोट पोल नहीं किया, और वो सुबह लेकिन कोई खवातीन नहीं निकल रही, क्योंकि हम आई